गुड इवनिंग जी सब बच्चों को तो हमने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के पी वाई क्यू किए थे ना तो हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है जहां से हमने छोड़ा था ना वहां से कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को कैसे प्लस किया जाता है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिए हो दोनों को कैसे प्लस किया जाता है देखो दो मैट्रिक्स जैसे ये एक मैट्रिक्स ले लो अगर आपके दो मैट्रिक्स है मान लो ए आपने लिया वन टू थ्री फोर और दूसरा मैट्रिक्स लिया फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब आपको दोनों को प्लस करना है देखो दो मैट्रिक्स तभी प्लस हो सकती है जब दोनों को ऑर्डर सेम हो दो मैट्रिक्स तभी प्लस होते हैं जब दोनों को ऑर्डर सेम हो जैसे इसको ऑर्डर है टू इंटू टू इसका ऑर्डर है टू इंटू थ्री तो यहां पे एडिशन एडिशन डिफाइन पॉसिबल ही नहीं है एडिशन यहां पे पॉसिबल ही नहीं है याद रखना दो मैट्रिसेस तभी प्लस होते हैं जब दोनों को ऑर्डर सेम हो अगर यहां टू इंटू टू है तो यहां भी टू इंटू टू करना पड़ेगा आपको मतलब आप ऐसा कुछ करो आप ऐसा कर दो अब देखो दोनों को ऑर्डर सेम हो गया दोनों को ऑर्डर सेम हो गया तो दो मैट्रिक्स तभी प्लस होते हैं जब दोनों ऑर्डर सेम हो जी बिल्कुल यूटी। हम 2025 का पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ठीक है हम दो हजार पच्चीस वाले बच्चे हैं ना जो बच्चे दो हजार पच्चीस में आएंगे हम उनको पढ़ा रहे हैं ठीक है जी थैंक यू जी थैंक यू ठीक है अब इन दोनो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करना है? देखो दो मैट्रिक कैसे प्लस होंगे इसको इसको प्लस करो। वन प्लस थ्री फोर टू प्लस फोर सिक्स थ्री प्लस सिक्स नाइन फोर प्लस सेवन इलेवन है ना समझ आया हमने दोनों मैट्रिक्स को कैसे प्लस किया वन प्लस थ्री फोर टू प्लस फोर सिक्स थ्री प्लस सिक्स नाइन फोर प्लस सेवन इलेवन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करते जाना ठीक है समझ गया यहां तक तो चलो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चलो ठीक है फिर कल है ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दो फिर कल तुम्हारे बच्चे होंगे तुम लोग बोलोगे हमारे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दो है ना सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा फिर बस चलो अब बढ़ते हैं आगे अच्छा इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है पहली प्रॉपर्टी अगर दो मैट्रिक्स है अब ए प्लस बी और बी प्लस सेम होता है ठीक है ए प्लस बी और बी प्लस सेम होता है पहली चीज ठीक है दूसरा अगर आपको तीन मैट्रिक्स को प्लस करना है ठीक है अगर आपको तीन मैट्रिक्स को क्या करना है तीन मैट्रिक्स को प्लस करना है क्या करना है तीन मैट्रिक्स को अगर आपने प्लस करना है ऐसा तो भी कर सकते हो पहले इन दोनों को प्लस कर लो फिर इसको प्लस कर लो या आप ऐसा भी कर सकते हो इन दोनों को प्लस कर लो और फिर सी के साथ प्लस कर लो आपकी मर्जी है पहले बी और सी को प्लस करो फिर ए के साथ प्लस कर लो या ए प्लस बी को प्लस कर लो फिर सी के साथ प्लस कर लो हां ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी ठीक है ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगी पहचाना हाँ जी बिल्कुल सबको पहचानते हैं ठीक है जी रोज लाइव आएंगे डेली लाइव आएंगे हम जेई वाले चैनल पर जय वाले चैनल पर भी जल्दी से कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे ठीक है जय वाले चैनल पर भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे उस पर भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा बस एक दो दिन दे दो हम इस वाले चैनल पे भी रेगुलर आएंगे और उस वाले चैनल पे भी हम रेगुलर कुछ ना कुछ अपलोड करेंगे ठीक है बस ये हफ्ता दे दो फिर उसके बाद हमें फ्री होने दो उसके बाद डेली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे समझ गए तीसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी है अगर आप ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करो अगर आप ए में जीरो मैट्रिक्स ऐड करो तो वो जीरो ए हो जाता है समझ गए इसी तरह उल्टा और अगर आपके पास अगर आप ए में माइनस ऐड करो तो वो जीरो हो जाएगा ठीक है अगर आप ए में माइनस ऐड करोगे वो जीरो हो जाएगा चलो जी इसके बाद आता है ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ऑफ मैट्रिक्स। टाइमिंग हमारी नौ बजे टाइमिंग हमारी नौ बजे होगी गुड नाइट सर गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं आगे इसके बाद दो मैट्रिक्स को सब्रैक कैसे करते हैं? जैसे मान लो अगर आपके एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ और दूसरा मैट्रिक्स ये दिया हुआ आपको दोनों को माइनस करना लेकिन ये ध्यान रखना दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए है ना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर इसका ऑर्डर टू इंटू टू है तो इसका ऑर्डर भी टू इंटू टू है, है ना ऐसा देखना कि दो मैट्रिक्स तभी माइनस होते हैं जब दोनों को ऑर्डर सेम हो ठीक है अब ए माइनस बी निकालो करो जरा दोनों को माइनस वन माइनस फोर कितना होगा माइनस थ्री टू माइनस फाइव माइनस थ्री थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री फोर माइनस सेवन माइनस थ्री ये दोनों को माइनस करके आ गया ठीक है Subtraction में एलिमेंट को माइनस कर दो समझ गया थे? चलो जी पेपर 2023 वालों को इजी लगा बहुत बड़ी बात है है ना छोटी बात नहीं है अच्छा इसकी प्रॉपर्टी कोई भी होल्ड नहीं करेगी ठीक है सबट्रैक्शन में कोई भी प्रॉपर्टी फोल्ड नहीं करी अब इसको जरा ध्यान से समझना जिसको ये समझ आ गया ना उसको मैट्रिक्स समझ आ जाएगा ठीक है तो अगला टॉपिक आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है ये ए ले लिया और ये बी ले लिया बी में रख लो 0 1 2 -1 1 2 ये हमने बी रख लिया अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोनों को करो मल्टीप्लाई क्या बनेगा वन टू थ्री फोर ए की वैल्यू रिप्लेस करो और यहां पे बी की वैल्यू रिप्लेस करो जीरो माइनस वन 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 टू थ्री हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है हमें क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे सबसे पहले ना आप इसका ऑर्डर देखो ठीक है सबसे पहले क्या करो आप इसका ऑर्डर देखो इसका ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर है टू इंटू टू और इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर टू इंटू थ्री अब देखो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइंड होती है जब ये दोनों सेम हो ठीक है इस फर्स्ट वाले का कॉलम सेम होना चाहिए और सेकंड वाले का रो सेम होनी चाहिए और जब आप दोनों को मल्टीपी देखो ध्यान से देखो फर्स्ट वाले की रो सॉरी फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो बराबर होनी चाहिए अगर ऐसा ये दोनों सेम नहीं होंगे फिर मैट्रिक्स यहां पे डिफाइन नहीं होती है मल्टीप्लीकेशन ठीक है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना इनका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा टू इंटू थ्री ठीक है इनका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा दो इंटू तीन दो इंटू तीन इनका ऑर्डर आ जाएगा अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है अब ध्यान से देखना फर्स्ट रो को अब ऐसे नहीं कर देना कि वन को जीरो से वन को वन से वन को टू से ऐसे नहीं कैसे करना देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो वन इंटू जीरो जीरो टू इंटू माइनस वन माइनस टू देखो इसको इससे किया वन को जीरो से टू को माइनस वन से और दोनों को प्लस कर दिया अब फर्स्ट अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से वन इंटू वन टू इंटू वन वन प्लस टू अब इसको इससे जिसको नहीं समझा फर्स्ट स्ट्रोको फर्स्ट कॉलम से वन को जीरो से टू को माइनस वन से फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से वन को वन से टू को वन से फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से वन को टू से टू को थ्री से यही लिखा अब इसी तरह सेकेंड को फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम से ठीक है अब इस वाली रो को देखो इसको इससे मल्टीप्लाई थ्री को जीरो से फोर को माइनस वन से थ्री जीरो का, जीरो, और फोर को माइनस वन से करो माइनस फोर अब इसी तरह इसको इससे क्या बनेगा थ्री वन झा थ्री फोर वन जा फोर और दोनों को प्लस कर दो थ्री प्लस फोर और इसी तरह इसको इससे थ्री टू झा सिक्स फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व तो दोनों को प्लस थ्री टू जॉ सिक्स और फोर थ्री जॉ ट्वेल्थ आप चेक कर लो कितना हो गया ये ये बन गया माइनस टू थ्री एट माइनस फोर सेवन एटीन अगर आप ध्यान से देखो इसका जो ऑर्डर है वो टू इंटू थ्री है हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था देखो अगर ये दोनों सेम हो जाए तो ऑर्डर हमेशा ये और ये आता है ये बात हमेशा याद रखना ठीक है इसका सेक्ट फर्स्ट और इसका लास्ट ठीक है अब बढ़ते हैं आगे अच्छा एक बार बीए भी निकालो बीए क्या बनेगा बीए देखो कैसे निकालो अब एक बार बीए फाइंड करो आप यहां पे बी की वैल्यू रिप्लेस करो बी क्या दिया है जीरो वन टू माइनस वन वन थ्री और ए की वैल्यू ए क्या देके रखा हुआ है वन टू थ्री फोर है ना अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई तो सबसे पहले आप क्या करो इसका ऑर्डर देखो ठीक है हाँ जी रोज होगी क्लास रात को नौ बजे डेली क्लास होगी ठीक है रात को डेली नौ बजे क्लास होगी अच्छा अब इसका ऑर्डर देखो कितना है टू इंटू थ्री और इसका ऑर्डर कितना है टू इंटू टू अब दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं, जब ये दोनों सेम हो क्या ये दोनों सेम है जैसे यहां पे ये दोनों सेम थे टू और टू बराबर था तो क्या ये दोनों सेम है थ्री और टू बराबर होता है थ्री और टू बराबर नहीं होता थ्री इज नॉट इक्वल टू तो टू है ना तो यहां पे बी ए की जो मल्टीप्लीकेशन है वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा बी ए क्या हो जाएगा बी ए यहां पर नॉन डिफाइंड हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं ए बी और बी ए तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं होते हैं ठीक है पहली प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी अब देखो अगर आपके पास ऐसा हो तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. आप ऐसा भी कर सकते हो आप ऐसा भी कर सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले फिर इसको इससे कर लो या पहले इन दोनों को कर लो और फिर इससे कर लो तो बराबर ही आएगा पहले बीसी को मल्टीप्लाई करो उसको ए से कर लो या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो उससे सी से मल्टीप्लाई करो तो बराबर ही आएगा ये दो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तीसरी ए डॉट बी प्लस सी हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ठीक है ऐसा भी कर सकते हो और चौथी प्रॉपर्टी होती है अगर आप ए डॉट आई निकालना है तो वो ए के बराबर होता है ना चेक करो कैसे मान लो कि ए आपका क्या वन टू थ्री फोर और आई ले लो वन जीरो जीरो वन अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ए डॉट आई निकालो ए है वन टू थ्री फोर और यहां पे आई लिखो वन जीरो जीरो वन आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है है ना कैसे करो देखो इस रो को इस कॉलम से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा वन प्लस जीरो फिर फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा जीरो प्लस टू फिर नेक्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से थ्री प्लस जीरो और फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से जीरो प्लस फोर तो ये कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर और वो किसके बराबर था ए ही के बराबर था है ना तो वो लिख सकते हम ए डॉट आई ए डॉट आई ए के बराबर होता है और इसी तरह आई डॉट ए भी ए के बराबर होता है ए डॉट आई और आई डॉट ए सेम होता है राधे राधे सर राधे राधे जी ठीक है समझ गए यहां तक अच्छा इसी तरह फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर आप ए को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा ठीक है अगर आप ए को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही हो जाएगा तो देखो जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन ठीक है यहां से स्टार्ट करते हैं देखो पहला क्वेश्चन इसको जरा ट्राई करो पहला क्वेश्चन है आपको यहां पे क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। इनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे देखना एक्स टू जीरो फाइव माइनस वन एक्स थ्री वन टू माइनस एक्स आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कैसे करेंगे देखो पहले तो आप इसको ऑर्डर लिखो एक रो एक रो एक कॉलम देखो एक दो तीन तीन कॉलम है ना यहां देखो एक रो, सॉरी एक दो तीन कॉलम नहीं तीन रो एक दो तीन रो और कॉलम एक ही है तो थ्री इंटू वन अब ध्यान से देखो ये दोनों सेम है है ना ये दोनों सेम है और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई करने पे वन इंटू वन का ऑर्डर आएगा क्या आएगा वन इंटू वन का ऑर्डर आएगा तो करो जरा इनको मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये बनेगा फाइव एक्स टू वन माइनस टू और जीरो को इससे मल्टीप्लाई करो जीरो देखो इसका ऑर्डर क्या बन गया वन इंटू वन अब आ जाओ यहां पर इसका ऑर्डर देखो कितना है एक एक हॉरिजॉन्टल एक दो कॉलम यहां देखो एक दो रो और एक कॉलम है ना अब देखो ध्यान से ये दोनों सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी वन इंटू का ऑर्डर आएगा है ना करो जरा इनको मल्टीप्लाई इसको इससे 3 को टू से थ्री टू दिक्स और वन को माइनस एक्स से तो ये बन गया है ना देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया थ्री टू दिक्स वन को माइनस एक्स से किया तो ये बन गया अब इन दोनों को कंपेयर करो ये बनेगा फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स इसको इधर ले जाओ ये बनेगा फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स ये बन गया ये बन गया सिक्स एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू फोर बाई थ्री है ना एक सेकेंड एक सेकेंड गड़बड़ माइनस माइनस एक्स फाइव एक्स माइनस टू प्लस जीरो हमने सिक्स एक्स इक्वल टू एट ठीक तो आ रहा है पांच एक्स माइनस दो पांच एक्स माइनस दो इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स है ना ठीक किया ना हमने एक क्वेश्चन एक 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 चेक कर लेते हैं रुकना जरा क्वेश्चन चेक करते हैं ठीक है रुको जरा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या पता क्वेश्चन टाइप करने में गड़बड़ होगी हो मल्टीप्लीकेशन तो ठीक ही लग रहा है एक्स टू जीरो फाइव माइनस वन एक्स एक्स टू जीरो फाइव माइनस वन एक्स थ्री वन टू हाँ यहाँ ठीक करना यहाँ गड़बड़ तो है माइनस टू है यहां प्लस है ठीक है यहां ठीक करना यहां माइनस टू है यहां प्लस है इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये बना माइनस एक्स और इसको इससे किया ये प्लस हो जाएगा तो यहां माइनस यहां प्लस अब इसको इधर ले जाओ फाइव एक्स माइनस एक्स क्वल टू माइनस सिक्स प्लस टू ये बना फोर एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल टू माइनस वन ठीक है एक्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा माइनस वन के बराबर तो हमारा आंसर हो जाएगा माइनस वन ठीक है ठीक है जी आप लोग बताएं आप लोग कैसे समझ गए यहाँ तक अब बढ़ते आगे नेक्स्ट देखो इसको जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया

हमने टू क्रॉस टू मैट्रिक्स को लिया ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू यहां तक समझ के इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है इसने लिखा हुआ ए आई जे ध्यान से सुनना लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ आई जे माइनस मिनिमम ऑफ आई जे है ना ये कहता है कि आप क्या करो दोबारा सुनो हमें क्या निकालना है हमें ए स्क्वायर निकालना है ठीक है और हमारे पास ए दिया हुआ एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स जिसको हमने ले लिया ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू और यहां पे जो ए आई जे है वो डिफाइंड है कि आपने क्या करना है मैक्सिमम लेना है आईजे का और मिनिमम लेना है आई जे का तो जैसे मान लो अगर आपको ए वन वन निकालना है क्या निकालना है ए वन वन तो देखो मैक्सिमम आई जे तो वन वन का मैक्सिमम क्या हुआ है ना यहां पर देखो आई वन है जे वन है तो वन वन में वन वन का मैक्सिमम वन होता है वन हो गया बीच में माइनस और मिनिमम आई जे तो वन वन का मिनिमम वन वन में मैक्सिमम वन होता है और वन वन में मिनिमम क्या होता है वन वन में मिनिमम वन ही होता है तो पहला क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा तो ए वन वन की पहली वैल्यू आ गई जीरो नेक्स्ट नेक्स्ट निकालना है आपको ए वन टू देखो मैक्सिमम ऑफ आई जे तो वन टू में मैक्सिमम क्या है वन टू का जो मैक्सिमम होगा टू हो जाएगा ना? अगर आप देखो ij लिखा हुआ है और टू का टू हो जाएगा बीच में माइनस मिनिमम ऑफ सबसे छोटा क्या one है वन का मैक्सिमम टू और वन का मैक्सिमम टू, टू होता है बीच में माइनस मिनिमम ऑफ ij और वन का मिनिमम क्या होता है टू और वन का मिनिमम होता है। तो टू में से माइनस करोगे हो जाएगा। तो ये फिर मिनिमम मिनिमम आई जे टू टू का मिनिमम टू टू हो जाएगा और टू माइनस टू जीरो मिल गया a. तो हमारा ए क्या आ गया जीरो जीरो है ना ये बन गया अब हमें क्या बोला इसने हमें बोला ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें बोला ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए अब सुनो ए स्क्वायर में आपने ऐसा नहीं करना कि सबको स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर में ऐसा नहीं करो कि सबको स्क्वायर कर दो ये नहीं करना ठीक है ऐसा नहीं कि सबका स्क्वायर कर दो अगर आप सबका स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा ए स्क्वायर में क्या करो आप ए डॉट ए करके करो हमेशा याद रखना ए स्क्वायर में कभी भी स्कोयरिंग मत कर देना अगर आप स्कोयरिंग करोगे तो गलत हो जाएगा जब भी आपको ए स्क्वायर बोला हो तो ए डॉट ए करके करना ठीक है।, है तो अब क्या करो यहां पर ए की वैल्यू रिप्लेस करो जीरो वन वन जीरो और फिर ए की वैल्यू जीरो वन वन जीरो अब आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना मल्टीप्लाई तो हमने आपको सिखाया कैसे करते हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो जीरो को जीरो से और वन को वन से बीच में प्लस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जीरो को वन से वन को जीरो से तो जीरो वन और वन को जीरो से तो वन सॉरी जीरो ठीक है देखो हमने क्या किया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया अब आप क्या करो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से वन को जीरो से जीरो को वन से जीरो प्लस जीरो अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करना सेकंड रो को सेकंड से वन को वन से जीरो को जीरो से और बीच में प्लस वन वन जा वन प्लस जीरो प्लस तो ये हो जाएगा वन कितना हो जाएगा ये वन देखो कौन सा वाला आ गया वन जीरो जीरो हम दूसरे वाले चैनल पे जेई की वीडियो भी अपलोड करेंगे ठीक है दूसरा वाला चैनल है ना जेई का तो उस पर बस अब जल्दी से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करेंगे ठीक है दूसरे वाले चैनल पे इस यहां पे हम डेली रात को नौ बजे लाइव आएंगे और दूसरे वाले चैनल पे भी अब अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है बस हमें ये हफ्ता दे दो हम रेगुलर पढ़ाएंगे आप लोगों को इस चैनल पे भी पढ़ाएंगे दूसरे ही वाले चैनल पे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ठीक है चलो अब बढ़ते आगे नेक्स्ट इसको देखो ए दिया हुआ है आपको के निकालना है क्या निकालना है के निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करो ए स्क्वायर फाइंड करो सबसे पहला काम क्या करो ए स्क्वायर ए स्क्वायर देखो कैसे फाइंड करेंगे ठीक है यहां पे a की वैल्यू लिखो थ्री वन माइनस वन टू यहां पे वापस a की वैल्यू थ्री वन माइनस वन टू अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ठीक है कैसे करेंगे देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से थ्री थ्री जन नाइन और 1 को माइनस वन से माइनस वन देखो ध्यान से जिसको नहीं समझ आ रहा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से थ्री थ्री जन नाइन वन इंटू अब करो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से थ्री वन झा थ्री टू वन सा टू और इनके बीच है प्लस अब इसी तरीके से इसी तरीके से सेकंड सेकंड रो रो को, को फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा माइनस थ्री माइनस टू और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से माइनस वन टू टू झा फोर बीच में इनके प्लस तो कितना हो जाएगा ये? एट फाइव माइनस फाइव थ्री ये बन गया अब अब क्या करो ये ले लो ये पूरा की पूरी वैल्यू यहां से ले लो ए स्क्वायर प्लस सेवन आई इक्वल टू के ये वैल्यू अब यहां पे रिप्लेस करो ठीक है ये कॉमर्स वालों के लिए भी है ठीक है ये सबके लिए है ये जित कॉमर्स वालों का भी मैथ सेम ही होता है ये 2025 वालों के लिए पढ़ा रहे हैं सबके लिए सेम है ठीक है सबके लिए सेम है ये पेड कोर्स तो कोई नहीं है ठीक है जेई का कोई भी पेड कोर्स अभी नहीं है जब होगा तो आपको बताएंगे यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू डालो एट फाइव माइनस फाइव थ्री प्लस सेवन आई आई की वैल्यू क्या होती है आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वन जीरो जीरो वन इसकी वैल्यू लिखो वन जीरो जीरो वन और यहां पे के ए ए की वैल्यू यहां दी है थ्री वन माइनस वन टू अब क्या करो इनको करो प्लस आ, इसको सेम ही रखते हैं इसको सेवन से मल्टीप्लाई करो ये बनेगा सेवन जीरो जीरो सेवन और इसको के से मल्टीप्लाई सबको के से मल्टीप्लाई करो थ्री के के माइनस के टू के है ना अब इसके बाद क्या करो इनको कंपेयर करो कंपेयर नहीं पहले प्लस कर लो फिर कंपेयर करेंगे देखो आठ और सात आठ प्लस सात कितना होता है? पंद्रह पांच प्लस जीरो पांच हो जाएगा माइनस पांच प्लस जीरो माइनस पांच तीन प्लस सात दस। ज इक्वल टू थ्री के के माइनस के टू के अब कंपेयर कर लो किसी के साथ भी कंपेयर कर लो थ्री के इक्वल टू फिफ्टीन यहां से क्या आ जाएगा थ्री के इक्वल टू फिफ्टीन और के कितना हो जाएगा के हो जाएगा फाइव है ना पंद्रह को पांच तीन से काटेंगे तो पांच हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है फ्यूचर में पेड कोर्स आएगा क्या जब आएगा तो बताएंगे ठीक है जब आएगा तो पक्का बताएंगे समझ गए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट देखो इसको जरा देखो देखो इसमें ए दिया हुआ है ए दिया हुआ है और आपको ये फाइंड करना है आपको क्या फाइंड करना है आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू प्लस सो ऑन आपको ये फाइंड करना है आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू है ना तो सबसे पहला काम क्या करो सबसे पहला काम आप यहां पे ये करो ए स्क्वायर फाइंड करो ठीक है ए स्क्वायर फाइंड करो फिर ए क्यू फाइंड करो उससे देखते हैं क्या फॉर्म बनती है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं तो आप क्या करो ए स्क्वायर को लिखो ए डॉट ए ए स्क्वायर को क्या लिखो यहां पे ए डॉट ए यहां पे ए की वैल्यू टू वन माइनस फोर माइनस टू यहां पर फिर से ए की वैल्यू टू वन माइनस फोर माइनस टू हमने यहां पे क्या किया दो बार ए की वैल्यू डाल दी अब आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना तो करो जरा इनको मल्टीप्लाई क्या बनेगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ठीक है टू टू जा फोर और इसको इससे फोर माइनस फोर फिर इसको इससे टू वन जा टू वन को माइनस टू से तो टू माइनस टू फिर नेक्स्ट इसको इससे माइनस एट प्लस एट और फिर इसको इससे माइनस फोर प्लस फोर है ना ये बन गया ऐसा तो ये बन जाएगा जीरो 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 हो गया है ना तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर हमारा जीरो हो गया ए स्क्वायर हमारा क्या हो गया जीरो हो गया जेई का अगला चैप्टर कौन सा वेक्टर करेंगे स्टार्ट वेक्टर पहले डिटरमिनेंट खत्म करने दो ना कल एक दो दिन में वीडियो अपलोड करके डिटामिनेट खत्म कर ले तो फिर हम जेई का वेक्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है करेंगे करेंगे इस बार अब नेक्स्ट निकालना है ना इसके बाद आपको A3 चाहिए तो A3 के लिए क्या करो इसको ऐसा डॉट ए ए स्क्वायर तो जीरो है जीरो को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा मतलब इसके आगे वाली सारी टर्म जीरो होती जाएंगी है ना इसके आगे वाली टर्म सारी जीरो होती जाएंगी तो आप क्या करो इसको सॉल्व करने के लिए अब यहां लिखो ये लिख रहे हैं आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस सो हमें निकालना ये तो यहां पे सबसे पहले आई की वैल्यू आई क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू वन जीरो जीरो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है डायगन में वन बाकी सारे जीरो फिर यहां पे क्या करो ए की वैल्यू ए ये देखकर रखा टू वन माइनस फोर माइनस टू फिर ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर तो जीरो है A cube. A cube भी है ए ए क्यूब क्यूब भी जीरो तो ये सारा जीरो ही हो जाएगा तो सारा जीरो हो गया ये बस आप इन दोनों को माइनस कर लो तो क्या बनेगा वन माइनस टू माइनस वन जीरो में से इसको माइनस करो माइनस वन जीरो में से इसको माइनस फोर और वन में से इसको माइनस थ्री तो ये बनेगा माइनस वन माइनस वन फोर ठीक है बस आपको रात को नौ बजे वाली क्लास में पढ़ना ये कॉमर्स वालों के लिए भी है ठीक है ये कॉमर्स वालों के लिए सबके लिए कॉमर्स वालों के लिए भी है क्या बोलते हैं नॉन मेडिकल वालों के लिए भी सबके लिए ठीक है देखो इसको यहाँ तक सर मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है हाँ जी बिल्कुल सीबीएसई वाले जो पेपर चेक करते हैं नमस्ते जी नमस्ते सीबीएसई वाले जो भी पेपर चेक करते हैं वो स्टेप मार्किंग ही करते हैं अगर आपका आंसर गलत हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका सारा कुछ आपने ठीक किया हुआ है तो आंसर देख के पेपर चेक नहीं होता सीबीएसई का पेपर हमेशा बड़े ध्यान से चेक किया जाता है ठीक है सीबीएसई का पेपर है बड़े ध्यान से चेक किया जाता है सी वाले तो इतने अच्छे होते हैं ना कि मान लो अगर आपने कभी ऐसा किया हो अगर मान लो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर सी लिखा हो और उसका आंसर ए है तो सी सी वाले इस सी को ए भी बना देते हैं सी को ए भी बना देते हैं लेकिन वो उनके लिए होता है जो फेल हो रहे हो है ना सीबीएसई में जो फेल हो रहे वो उनके लिए होता है ठीक हो है, तो है।, तो ये ये है ये ब्लू पेन से बनाते हैं और जो सीबीएसई के पेपर चेक करते है ना उन्होंने हमें ये बताया था कुछ लोग तो ऐसा भी कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं जैसे मान लो कोई, कोई बच्चा कुछ तो ऐसे भी करते हैं कि एक हम हमें कोई बता रहा था जो पेपर चेक कर रहा था वो बता रहा था कि एक बच्चे ने ना पेपर कुछ भी नहीं किया था तो उसने अपने ना उसमें एक चिट चिट डाल के भेजी हुई थी या उसको आप चिट्ठी कह लो उसने लिखा हुआ था कि सर मेरे पापा मेरे पापा बड़े बड़ी, बड़ी ज्यादा दारू पीते हैं अगर मैं फेल हो गया तो वो मुझे मार देंगे तो कुछ ऐसे भी आते हैं ऐसे ऐसा भी आता है सी बी एस सी के पेपर में ये सब चीजें हो तो सी बी एस सी वाले बड़े लीनेट मार्किंग करते हैं खुले दिल से मार्किंग होती है ठीक है तो टेंशन नहीं लेना चलो चलो जी बहुत बढ़िया आपके 88 मैथ्स में आया बहुत बढ़िया कौन सा बोर्ड है आपका वो अभी पे कौन सा वाला बोर्ड है आपका अब जरा इसको देखो इसको करो सॉल्व इसमें देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जीरो के बराबर दिया है और आपको एक्स निकालना है क्या निकालना है एक्स ठीक है तो क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कैसे करेंगे देखो इसको ऑर्डर देखो कितना है एक रू है एक रू है और दो कॉलम है एक दो कॉलम है ना और इसका देखो एक दो रो और दो कॉलम दो रो दो कॉलम और अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों सेम है है ना ये दोनों सेम होना चाहिए बिहार बोर्ड है चलो जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 88 आपके मार्क्स आए बहुत बढ़िया ठीक है अब बिहार बोर्ड वालों का रिजल्ट भी आ गया है हमने सुना था देखो ये दोनों सेम है ना तो मैट्रिक्स यहां पे पॉसि, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी तो कैसे करना है मल्टीप्लाई और देखो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना उसका जो ऑर्डर है वो ये आएगा वन और टू ठीक है उसको ऑर्डर क्या वन इंटू टू तो करो जरा इनको मल्टीप्लाई इसको इससे करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो वन को फोर से और इसको इससे तो ये बनेगा फोर माइनस टू एक्स और फिर इसको इससे ये बनेगा जीरो प्लस जीरो है ना समझ गए और इक्वल टू में क्या दिया वैं? जीरो तो ये बन गया फोर माइनस टू एक्स जीरो और इस वाले जीरो मैट्रिक्स को इस वाले जीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जीरो तो जीरो ऐसा लिख दो ठीक है अब इसके बाद क्या करो इसके बाद कंपेयर कर लो कंपेयर कर लो क्या बनेगा फोर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो फोर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो यहां से आ जाएगा फोर इक्वल टू टू एक्स फोर इक्वल टू आ जाएगा टू एक्स तो ये और ये कैंसिल तो एक्स यहां से टू आ जाएगा तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा है ना एक्स हमारा टू हो जाएगा चलो जी बढ़िया जी ठीक है समझ गए यहां तक अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो अगला देखो इसको जरा देखो इसमें क्या करेंगे इसको भी करो ट्राई नेक्स्ट क्या दिया हुआ पी दिया हुआ आपको एक्स निकालना है और आपके पास ये देके रखा हुआ है

फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये बनेगा एक्स जीरो, एक्स का स्क्वायर प्लस जीरो फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जीरो प्लस जीरो तरीके से इसको इससे एक्स प्लस वन और फिर इसको इससे जीरो प्लस वन वन हो जाएगा है ना तो ये बनेगा सॉल्व करके x का x क्वेड जीरो x प्लस वन वन ये ऐसा बन गया है ना ये बन गया अब इसके बाद दिया हुआ है a क्वेड इक्वल टू b इससे कंपेयर करके हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा a का स्क्वेड इक्वल टू b यहां पे a स्क्वेड की वैल्यू रिप्लेस करो a स्क्वेड ये दिया हुआ है x क्वेड जीरो x प्लस वन और यहाँ पे वन � बी हुआ है, फोर जीरो माइनस वन वन है ना ऐसा बन गया अब यहां से कंपेयर करो क्या बनेगा ये बनेगा x का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू फोर तो x कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस टू है ना अब जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं आना इसको टिक मत कराना अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं इसको टिक कर देंगे और फिर गलत हो जाएगा ये ठीक है तो गलत नहीं करके आना इसके लिए देखो आप ना पहले और भी चेक करो यहां देखो और भी चेक करो यहां पे x की दो वैल्यूज आई x की कितनी वैल्यूज आई दो आई एक आई टू और एक आई माइनस टू है ना अब यहां देखो इसको इसको कंपेयर करो x प्लस वन इक्वल टू माइनस वन तो x तो हो जाएगा माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा देखो यहां पे आ रही है टू और माइनस टू और यहां पे आ रही है माइनस टू तो कौन सी वैल्यू को टिक करोगे इसको टिक करोगे या इसको टिक करोगे है ना इसको टिक करोगे या इसको टिक करोगे ठीक है तो किसको टिक करोगे हमारी क्लास का टाइमिंग होता है रात को नौ बजे ठीक है नौ बजे हमारी टाइमिंग होता है अच्छा अब देखो जब भी आप कंपेयर करो ना एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोनों से आंसर सेम मिलना चाहिए जैसे यहां से एक्स की वैल्यू दो आएंगे पर यहां से एक्स की वैल्यू एक आ रही है तो आपको दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू देखनी है कॉमन वैल्यू को टिक करना तो कॉमन वैल्यू देखो कौन सी है यहां पे भी माइनस टू है और यहां भी माइनस टू है तो माइनस टू को टिक करना ठीक है यह बात हमेशा याद रखना हमेशा कॉमन वैल्यू को टिक करना होता है ठीक है कौन सी वैल्यू टिक करना होता है सर क्या चैप्टर वन टू हो गया है नहीं अभी स्टार्ट ही किया ठीक है अभी चैप्टर वन और टू स्टार्ट अभी स्टार्ट ही किया अभी चैप्टर वन टू करना है चैप्टर वन थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है मुश्किल नहीं है मतलब अगर पहले दिन ही स्टार्ट करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा तो अभी सिर्फ हमने चैप्टर अभी हमने चैप्टर थ्री स्टार्ट किया तो अभी स्टार्ट ही किया ठीक है दूसरा लेक्चर है इस क्लास का अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट देखो इसको जरा देखो ये किया हमने सॉल्व अभी है ना ये किया हमने सॉल्व सेम ही आ गया देखो ये सेम आ गया ये किया हमने सॉल्व अभी अच्छा जी अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं ठीक है इसको जरा देखो इसमें क्या दिया है ए दिया है ठीक है इसके बाद हम कल करवाएंगे आप लोगों को अब आप इसको रिवाइज करके और बाकी कल करेंगे ठीक है होमवर्क दे के जा रहे हैं आपको एक ये करना है फिर ये दो फिर ये तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह और सोलह ये सोलह क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क दे के आ रहे हैं ये कल करेंगे डिस्कस ठीक है ये सारे क्वेश्चन कल करेंगे डिस्कस आप ये करके आओ कल सारे ठीक है ये सारे क्वेश्चन कल करते हैं समझ गए? चलो बाय बाय सबको सबको गुड नाइट किसी को कुछ पूछना तो बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ क्लास के रिलेटेड याद रखो कल हमारी वापस क्लास होगी रात को नौ बजे हमारी डेली क्लास होगी ठीक है रोज क्लास होगी कल भी होगी रात को नौ बजे किसी को कुछ पूछना तो बताओ नहीं तो हम चले ठीक है चलो जी थैंक यू जी ठीक है ठीक है चलो बाय बाय सबको सबको गुड नाइट इसका मतलब किसी को कुछ नहीं पूछना है चलो बाय बाय सबको गुड नाइट सर सिलेबस कब एंड होगा सिलेबस हो जाएगा नवंबर नवंबर तक हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक नवंबर तक लगा कि सब नवंबर तक खत्म करा देंगे ठीक है चलो बाय बाय सबको